बलरामपुर से युगल शुक्ला की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के चलते वायरल फीवर के कारण 5 बच्चे सहित 2 युवक की हुई मौत। एक ही गांव के 7 लोगों की हुई है मौत। एक सप्ताह के अंदर हुई 7 लोगों की मौत। लगातार 7 लोगों की मौत के बाद गांव में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गांव का किया दौरा। गांव में बताया गंदगी के कारण फैली है बीमारी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा के मोतीपुर गांव का मामला देखिए। इसमें शिवपुरा ब्लॉक के एक मोतीपुर मजरा है, वहाँ पर आज मेरे द्वारा स्वयं निरीक्षण करने पाया गया कि वहाँ पर 6 टोटल डेथ जो है वो 7 है, जिसके अंदर 3 जो मौतें हैं वो एक 75 ईयर के हैं, जिनका नाम अलगाई है और उनकी एक नेचुरल डेथ है। 8 दिन का एक बच्चा था, उसका नाम पप्पू था, उसके जो था एक कंजेनेटल डिफॉर्मिटी थी, यानी कि उसके जो मलद्वार था वो डेवलप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसके लिए वो अपने अज्ञान होने के कारण उसकी डेथ हुई है। एक कैलाशगिरी है जिसके बच्चे का नाम 6 साल की बच्ची है, उसको मल्टीपल वोमिटिंग और लूज मोशन आ रहे थे, जिसके लिए वो एक पहले वो शिवपुरा अस्पताल या शिवपुरा के सीसी में तैनात जो भी एनएमओ वहाँ डॉक्टर ब्रजेश हैं उनके द्वारा उनको अवगत कराया गया, लेकिन वो चिकित्सालय में न ले जा करके वो बलरामपुर के किसी निजी चिकित्सालय में उन्होंने इलाज कराया, वहाँ पर फिर उसका जवाब दे दिया गया। उसके बाद फिर वो पुनः जो है घर पर ले गया, वहाँ पर एक बाबा हैं उनकी शरण में ले जाकर उसने 10-15-20 मिनट कहा कि बच्चा ठीक हो जाएगा। तत्पश्चात बच्चे की तबियत न ठीक होने का कारण उसको बहराइच जिला चिकित्सालय अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तो अब तक कितने लोगों की मौत हुई? अब तक देखिए 7 मौत हुई हैं, जिसके अंदर 2 डेथ तो नेचुरल है, एक 75 ईयर के ओल्ड हैं, एजेड हैं, उनकी तो डेथ का काज ऑफ डेथ कुछ और है, और एक जो बच्चा है जिसका नाम है पप्पू, जिसके एक बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके कंजेनेटल डिफॉर्मिटी में उसके जो लैट्रिन का रास्ता होता है वो डेवलप नहीं था, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों के लिए विशेष बड़े चिकित्सालय जैसे मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर रेफर किया जाता है और अर्जेंट इमरजेंसी में उनका जो है वो सर्जिकल करके वो एक रास्ते का लैट्रिन का रास्ता बनाया जाता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आउटरीच एरिया में होने के नाते वो परिवार वाले उसका लाभ नहीं ले पाए, अंततः उस बच्चे की जो है वो मौत हो गई। सर उनके लिए क्या डॉक्टर के क्या व्यवस्था? देखिए डॉक्टर की व्यवस्था के अंदर मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर आपके ये के द्वारा जो भी टीम गठित थी, आज मैंने जब स्वयं वहाँ जाकर निरीक्षण किया तो मैं तो पहुँच गया था, लेकिन वहाँ पे आशा एनम संगनी सभी लोग थे, लेकिन उनके टीम के डॉक्टर जिनको प्रभारी इस संचारी का बनाया गया डॉक्टर ब्रजेश कुमार वो वहाँ पर अनुपस्थित मुझे मिले। इसके ऊपर मैंने डॉक्टर प्रणव जी से पूछा कि वो कहाँ हैं, कहने का सर वो पीछे जा रहे हैं, उनके किसी की तबियत खराब हो गई, ये उनकी शिथिलता का परिचायक है। और मैंने उनको चेतावनी दी है और मैंने एक कमेटी गठित कर दी है कि अगर इसके अंदर जो भी दोषी होगा, चाहे एनएम हो, चाहे डॉक्टर हो और चाहे हमारे पैरामेडिकल का कोई भी हो, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। क्योंकि किसी भी बच्चे की अगर जो है मृत्यु होती है तो ये हमारे विभाग के ऊपर प्रतिष्ठित लगता है। दूसरी बात यह कि गांव के अंदर हमारी टीम, अब मैंने निर्देशित किया कि टीम लगातार वहाँ पर रहेगी, आशा वहाँ पर लगातार रहेगी, चिकित्सक बने रहेंगे और सफाई व्यवस्था के ऊपर ये है कि जरा गांव के अंदर जो भी प्रधान जी से मैंने संपर्क किया और कि आप अपने स्तर के ऊपर यहाँ सफाई करें, पेयजल व्यवस्था के ऊपर भी मुझे वहाँ गमी थी कि हैंडपाइप कुछ खराब थे, माननीय विधायक जी भी वहाँ पर मेरे साथ निरीक्षण में थे। और जो डेथ का एक कारण और भी है कि जो वहाँ पर एक बाबा हैं उस मंदिर पर भी मैं गया था तो लोगों ने ये बताया मुझे कि साहब वो वहाँ के लोग जो हैं वो बाबा के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो मैंने बाबा जी को समझाया कि भाई बाबा जी आप अपनी तरफ से इनको दुआ दीजिए, लेकिन इनको ये मोटिवेट करिए कि आप इन लोगों को बच्चों को दवा नहीं दी जाएगी, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और कई लोगों को अपने सामने मैंने 30-40-50 लोगों को दवाइयाँ, सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, दवा की कोई कमी नहीं है और समय समय पर मेरी टीम जो है वहाँ पर जाके भ्रमण करती रहेगी। कौन सी दवा के सर वहाँ वितरण की? वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो मैंने देखा बच्चों के लिए पैरासिटामॉल के सिरप काफी मात्रा में अवेलेबल थे, बच्चों के लिए पेट के दर्द के लिए जो थी मेफ्टॉन स्पाइसिक दवा आती है वो भी वहाँ पर उपस्थित थी, बच्चों के लिए एंटीबायोटिक बहुत अच्छी है जो वहाँ पर जो है कोट्रामेक्साजोल जिसको
साधारण भाषा में, आम भाषा में सेप्टॉन सिरप कहते हैं, जो खांसी जुकाम बरकी के लिए होता है, वो भी वहाँ पे प्रचुर मात्रा में था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारी क्लोरीन टैबलेट जो थी, जो एक लीटर पानी में भी 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट, अगर कोई गरीब परिवार है वो पानी को पका नहीं पाता है तो उसको उसमें छोड़ दो, उसके बाद उसका जो है जल का सेवन करेगा। और अगर कोई बच्चा बीमार है तो मैंने उनको निर्देश किया कि एक ORS का पैकेट पानी को खौला के, उसको पानी को ठंडा करके, उसमें पूरा एक पाउच जो है वो एक लीटर में पानी मिलाएगा, उसको बार बार नहीं मिलाएगा, और 24 घंटे के अंदर वो पानी खत्म करके पुनः पानी को वो खौला के ठंडा कर उसमें छोड़ेगा। और पानी की कमी शरीर में बच्चे की अगर हो जाती है, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, उनका ज़्यादातर वजन अगर कोई 14 किलो का बच्चा है तो उसके अंदर आप समझ लें करीब करीब 8 या 9 किलो तो पानी होता है। अगर उसको डायरिया और वोमिटिंग होने लगी तो बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन और उसके सारे सिस्टम में वो फेल होने लगते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहा कि अब जो हो गया उसके लिए मैंने टीम गठित कर दी है और समय समय पर उसका डाटा लेता रहूँगा, भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्त न हो। और मैंने डॉक्टर प्रणव को भी एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का वो कर दिया, और डॉक्टर ब्रिजेश अगर इसमें दोषी पाए जाएंगे तो मैं उनको भी कार्रवाई करूँगा। और छोटे वर्कर हमारी आशा एनम आशा और संगनी काम अच्छा कर रही हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और इंचार्ज की कमी की वजह से इस तरीके का प्रकरण जो है, मैंने उनको चेतावनी दे दी। डॉक्टर सुशील कुमार, मुझे जब ये रात को का सूचना मिली कि मोतीपुर गांव के अंदर जो है वो 7 बच्चों की मौत हो गई, तो मैं प्रातःकाल जब मैं वहाँ मोतीपुर गांव के अंदर पहुँचा तो उसमें मुझे ये पता चला कि 7 में से 5 बच्चों की जो डेथ है पिछले 7 दिनों में समय समय पर होती रही, जिसका मुख्य कारण जो है वो पुअर हाइजीन और बाबा के अंधविश्वास के कारण जो है वहाँ के लोग, वहाँ की हमारी टीम के द्वारा दवा नहीं ले रहे थे। मैंने बाबा से जाके मिल के मिला कि भाई आप ऐसा ना करें, और समझाने पर वहाँ के मरीजों को मैंने दवा बटवाई, और गांव के अंदर भ्रमण करने पर वहाँ पर गंदगी मिली, वहाँ पर हैंडपाइप की व्यवस्था ठीक नहीं थी और सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी। प्रधान के साथ संपर्क करने पर पता चला कि वहाँ पर जो है वो सफाई कर्मचारी आते नहीं हैं, और मेरी टीम के द्वारा जो है जो भी 100% दवाइयों की उपलब्धता करा दी गई है, और टीम हमारी जो है वहाँ पर 2 बनी हुई, जिसमें आशा एनएम डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ फार्मेसिस्ट के द्वारा लगातार निगरानी करी जा रही है। और ये भी निर्देशित किया कि एम्बुलेंस 102 108 के माध्यम से अगर कोई गंभीर मरीज बीमार होता तो उसको आप सुपरा अस्पताल पहुँचाएं, जिससे कि बच्चों की इस तरीके की गंभीर बीमारियों अन्य बीमारियों से उसकी मौत न हो, और समय समय पर इसका मैं निरीक्षण करता रहूँगा।